हेलो फ्रेंड्स, जो लोग बोलते रहते हैं यार मेरी टाइमिंग तो बहुत ही कम है, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए कोई गोली या कोई स्प्रे बताओ जिससे मेरी टाइमिंग अच्छी खासी बढ़ जाए, तो आज की इस वीडियो में हम एक स्प्रे के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। उस स्प्रे का नाम है क्लीमैक्स डिले स्प्रे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस स्प्रे को कितनी देर पहले इस्तेमाल करना होता है और इस स्प्रे को दिन में कितनी बार यूज कर सकते हैं और इस स्प्रे को यूज करने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह स्प्रे आपको मार्केट में कितने रुपये का मिल जाता है। बात कर तो 199 रुपये में आपको यह स्प्रे किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और इस स्प्रे को मिदास केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लीमैक्स स्प्रे के फायदों के बारे में। बात कर तो इस स्प्रे का उपयोग टाइमिंग को बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। जिन लोगों की टाइमिंग बहुत ही कम है, यानी कि जब भी वह अपने पार्टनर के साथ एक्टिव होते हैं उनका तभी निकल जाता है, तो उन लोगों के लिए यह स्प्रे बहुत ही खास है। इस स्प्रे को यूज करने से उनकी अच्छी खासी टाइमिंग बढ़ जाती है। और बात कर तो इस स्प्रे का उपयोग जिन लोगों को बवासीर की समस्या है तो उस पार्ट पर भी इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वह पार्ट सुन हो जाता है और उनको दर्द की समस्या दूर हो जाती है। और बात कर तो इस स्प्रे का उपयोग किसी भी पार्ट को सुन करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस स्प्रे को यूज करने का सही तरीका क्या है जिससे आपको इस स्प्रे का 100% सही रिजल्ट मिल जाता है। बात कर तो इस स्प्रे को आपने एक्टिव होने के 5 से 15 मिनट पहले यूज करना होता है। इस स्प्रे को आपने आपके पूरे प्राइवेट पार्ट पर अप्लाई नहीं करना है, आपने इस स्प्रे को आपके प्राइवेट पार्ट के आगे वाले भाग पर ही अप्लाई करना है। क्लीमैक्स स्प्रे के आपने 2 से 3 स्प्रे अप्लाई करने हैं और 5 से 15 मिनट के बाद आपने एक्टिव हो जाना है, तभी आपको इस स्प्रे का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इस स्प्रे को आपने 10 बार से अधिक यूज नहीं करना है। और जब आप एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद जब आप अलग हो जाते हैं तो आपने अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से धो लेना है, क्योंकि स्प्रे के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनमें कि आपके प्राइवेट पार्ट पर लाल दाने हो सकते हैं या आपको खुजली की समस्या हो सकती है या आपको जलन भी महसूस हो सकती है। यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी क्लीमैक्स स्प्रे के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।